उत्तराखंड त्रासदी के 2 महीने हो रहे हैं। एक ऐसी तबाही जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, एक ऐसी तबाही जिसमें वक्त के साथ बीता एक एक पल अहम था। सेना ने पूरी ताकत झोंकी हुई थी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सभी मिलकर काम कर रहे थे। सभी का मकसद सिर्फ एक था, उत्तराखंड में फंसे लोगों की मदद करना, जो रास्ते में फंसे थे उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालना, जो भूखे थे उन्हें खाना पहुंचाना और जो बीमार थे उन्हें दवाइयां मुहैया कराना। आज जब पूरा देश जश्न आजादी मना रहा है, अपने इस खास कार्यक्रम में हम उत्तराखंड में लाखों लोगों की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर देने वाले जवानों को सलाम करते हैं। अगर जंग का वक्त होता तो यकीनन इन जवानों में से कई को वीरता पुरस्कार मिलता, लेकिन आज इन सभी के लिए सबसे बड़ा सम्मान हमारा और आपका प्यार है। हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट, उसके शोर में गुम होती आवाजें, एक मासूम बच्चे का रोना, एक बुजुर्ग की कराह, जो बिछड़ गए हैं उनका दर्द, उनकी तकलीफ। रास्ते में फंसे लोगों को लेने के लिए जब हेलीकॉप्टर पहुंचता तो बहुत सी उम्मीदें जाग जाती। घर पहुंचने की उम्मीद, परिवार वालों से मिलने की उम्मीद। महिलाएं, बच्चे और बीमार लोगों को पहले ले जाया जा रहा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर की पहली झलक लोगों को मिलती, उनमें भगदड़ मच जाती। उनके नीचे उतरते ही सेना और एनडीआरएफ के जवान लोगों को एक एक करके हेलीकॉप्टर में बिठाने लगते। सब कुछ बहुत तेजी से लेकिन अनुशासित तरीके से हो रहा था। The problem is actually to convince the civilians and the other agencies to have faith in you. Once that is established, like in this case, the Uttarakhand government and also the other agencies, after I think a few hours of, you know, arriving there, they were aware that we were possibly the best people to advise them. इस समय सबसे ज्यादा कीमती था वक्त। मौसम खराब होने की आशंका लगातार बनी हुई थी। ऐसे में पायलटों के पास जितना वक्त कम था, उतना ही रिस्क ज्यादा। The most valuable lesson to be learned is do not get washed away by your emotions, because seeing so many number of people, the first reaction is to take away as many people as you can, but the power margin might be less. You have to carry less people so as to be safer. Ek taraf aasman mein helicopter mandra rahe the to dusri taraf zameen par tamam log rahat ke kaam par nazar banaye hue the. ऑपरेशन राहत की जिम्मेदारी संभाल रहे एक कमोडोर एसआर लगातार स्थानीय प्रशासन के संपर्क में थे। हर घंटे जानकारी ले रहे थे कि कहां ज्यादा तबाही है, कहां उनके बॉयज की सबसे ज्यादा जरूरत है। इन द हिल्स नॉर्मली वी डोंट फ्लाई बियॉन्ड 1 आवर बिफोर सनसेट, बट वी न्यू पीपल वर डिप्लॉयड इन द हिल्स, दे वर अकस्टम्ड टू दोस कंडीशंस, सो वी अलाउड देम व्हाइल कीपिंग अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट वॉच ऑन द वेदर। नाउ दैट इफेक्टिवली मेंट 30 odd helicopters could operate for an hour more. Jolly Grant Airport का ये हिस्सा उस वक्त ऑपरेशन राहत का कंट्रोल रूम बन गया था। सेना के जवान, मशीनें, दवाइयां, खाना पानी सबको यहाँ इकट्ठा किया जा रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ जब घंटों की प्लानिंग कुछ ही मिनट में बेकार हो गई। कभी मौसम अचानक बिगड़ा, C-130J हरक्यूलिस विमान बादलों में फंसा, कभी कोहरा इतना हो गया कि दिखाई देना ही बंद हो गया। Getting ready to, you know, launch a sortie, and I was just kind of checking my messages on my mobile. And once I looked up, it was totally packed. I mean, that was the rate at which the weather packed up. पायलटों को सीधे पहाड़ों के बीच में उड़ान भरते हुए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अक्सर ये पता तक लगाना मुश्किल होता था कि पहाड़ियों की किस तरफ लोग छिपे हुए हैं, कहाँ हैं, किधर। I would like to mention here the marshaler who was standing there. He did an excellent job in placing our undercarriage within the helipad and making sure that our main rotors do not hit any of the obstructions. The co-pilot who sits onto the left of the aircraft, he has a major role to play in ensuring that the captain lands properly. He doesn't land too much into the hillside. Everyone who was participating, they were doing this task and flying this sector probably for the first time, and some very good decisions. Some decisions required brave actions.
सुरक्षा बलों के पास मदद के लिए कोई रडार नहीं था। दर्जनों हेलीकॉप्टर, सेना और दूसरे जवान एक खास फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में बचाए गए ज्यादातर लोग पहली बार किसी मिलिट्री प्लेन में सवार हुए। भीतर लोगों के चेहरे पर राहत थी, आंसू भी थे और प्रार्थना व दौड़। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। कुछ ऐसे थे जिन्हें एक खरोंच तक नहीं आई थी। जब एयरक्राफ्ट बेस पर वापस आते तो ये टीम तुरंत उनकी जांच में जुट जाती। इंजीनियरों की पूरी फौज रात भर काम करती थी ताकि सुबह से एक बार फिर सारे हेलीकॉप्टर और विमान लापता लोगों की तलाश के लिए तैयार हो जाएं। I cannot afford any aircraft unserviceable. If there is any problem with the aircraft, I cannot keep the aircraft down for such a long time because we know the importance of that place and the mission. 18 जून के बाद से एयरफोर्स के विमानों और हेलीकॉप्टर ने 2000 से ज्यादा उड़ानें भरी, 19,000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया और 3,40,000 किलो रसद और मशीनें लोगों तक पहुंचाई। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ जब इस काम में उन्हें बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ा। Also took part in that dropping off that wood for towards the funeral of the people at Kedarnath for the bodies, and thereafter, and once that unfortunate accident had taken place in which we lost some of our colleagues, we were also involved in retrieval of the bodies from there. पच्चीस जून को जब राहत का काम पूरे जोरों पर था, एक भयानक हादसा हुआ। Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आई। ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस लौट रहा था। हेलीकॉप्टर में मौजूद सारे लोग मारे गए। विंग कमांडर अभय परांडे कर उस वक्त बद्रीनाथ में थे जब उन्हें ये खबर मिली। And this training helps us. Definitely, it's a personal loss, loss to the country. But this training will, this training always helps us in overcoming this kind of a shock. We pay tribute to our colleagues, those who have laid their life in this mission. But definitely, as professionals and true air warriors, we'll continue the show. और फर्ज निभाना इसी को कहते हैं। अभय परांडेकर तब तक उड़ाने भरते रहे जब तक बद्रीनाथ में फंसा आखिरी शख्स भी बचा नहीं दिया। उत्तराखंड में लोगों की मदद में जुटे सुरक्षा बलों के लिए शांति काल के दौरान ये सबसे बड़ा राहत मिशन था। इस मिशन ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, लेकिन उससे भी बड़ा सम्मान इसमें जुटे जवानों को लोगों के स्नेह और इज्जत के तौर पर मिला। The chief of the air staff had coined this new thing, people first mission always. That people first is not only our people, it is our nation's people. And what better way to prove that point than what happened in Op Rahat? So I hope our countrymen are proud of us. That's all we want. ये वो वक्त था जब वायुसेना अपने सबसे बड़े राहत मिशन की तैयारी में जुटी थी। सेना के जवान उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में बेहद ही मुश्किल हालात से जूझ रहे थे। सड़कों का नामोनिशान मिट चुका था और चुनौती लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की थी। हवाई उड़ानों के दौरान भी पहाड़ियों पर छिपे हुए लोग नजर नहीं आ रहे थे। इस वक्त सारी उम्मीदें जमीन पर मौजूद जवानों से ही थी। उन्हें लोगों तक पहुंचना था, उन्हें भरोसा देना था कि हिम्मत रखिए, मदद आ रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद आए सैलाब के सामने जो कुछ भी आया वो बच नहीं सका, उसने सब तबाह कर दिया। ऐसे वक्त में भारतीय सेना ही थी जो सबसे पहले मौके पर पहुंची। 16 मॉर्निंग आई गॉट अप एंड आई सॉ द रेन इज स्टिल नॉट स्टॉप एंड द लेवल ऑफ वाटर इन द अलकनंदा रिवर व्हिच इज राइट नेक्स्ट टू माय यूनिट लोकेशन सो इट वाज फ्लोइंग इन फुल स्पीड। द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन व्हिच वी गॉट इज फ्रॉम केदारनाथ दैट इज ऑन द ब्रिज ऑन कुन व्हिच नियर गुप्तकाशी हैज बीन वॉश्ड अवे एट द टाइम वी रियलाइज दैट इवन द केदारनाथ वैली हैड बीन वॉश्ड आउट वी मोबिलाइज्ड आवर कॉलम्स एट मिडनाइट ओनली। भारतीय सेना के हरकत में आते ही आईबेक्स ब्रिगेड के जवानों को उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में भेजा जाना शुरू हो गया। केदारनाथ में जोशीमठ बद्रीनाथ रूट पर
और धाराचूल के उत्तरी इलाके में फौज ने मोर्चा संभाल लिया। 5000 प्लस ट्रूप्स ऑफ द फॉर्मेशन वर एम्प्लॉयड ऑल अक्रॉस द ब्रिगेड एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी। पीपल वर सो होपफुल दैट नाउ आर्मी हैज लैंडेड, नाउ डेफिनेटली विल बी रेस्क्यूड एंड सम एफर्ट विल डेफिनेटली कम इन। सो दैट इज व्हाट व्हिच एक्चुअली गिव्स यू अ किक, इट गिव्स यू काइंड ऑफ किक एंड देयर आफ्टर यू गेट चार्ज्ड अप एंड नाउ यू नो दैट कम मे व्हाट व्हाटएवर मे बी द सर्कमस्टेंसेस आई हैव टू पुल आउट दीस पीपल बिकॉज़ दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर फेथ, दे हैव रिपोज्ड देयर फेथ इन यू। इसी दौरान मौसम विभाग ने 24 जून से फिर भारी बारिश की चेतावनी देकर राहत के काम में जुटे लोगों को चिंता में डाल दिया। उनके पास लोगों को निकालने के लिए सिर्फ 3 से 4 दिन का वक्त था, लेकिन रास्ते में फंसे लोगों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्हें इतने कम वक्त में नहीं निकाला जा सकता था। जरूरत थी सड़कों को तुरंत सुधारे जाने। आप लोग के लिए वो ट्रैक बनाना कितना मुश्किल था? देखिए, वो बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और वहाँ बिल्कुल इतनी परिस्थितियाँ कठिन थी कि वहाँ से चलना एक फौजी के लिए इतना कठिन था, वो मुश्किल से हम चल पा रहे थे, तो सिविल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था वो। तो उसको साथ साथ में थोड़ा बहुत कटिंग करके मैनेज करके बना के और उसके साथ साथ में लोगों को निकाल के लेना, और ऊपर से स्लाइडिंग भी हो रही थी साथ साथ में, बरसात भी थी। सिर्फ 48 घंटे बीते होंगे कि गौरीकुंड से सोनप्रयाग के रास्ते में सड़कें और रस्सियों वाले कई पुल तैयार कर लिए गए, लेकिन अब भी बहुत काम बाकी था। The biggest challenge in the land route evacuation was to earn the confidence and faith of the people who were stranded there. Since the people have already gone through an ordeal and they had seen such frightening situations, they were not really motivated enough to accompany us, despite all assurances, to accompany us along the land route. And we gave them assurances that yes, we will take you there across, we'll take you up to the roadhead safely, and your safety is our guarantee. हालांकि ये 7 किलोमीटर का रास्ता बहुत मुश्किल था, बावजूद इसके 5 सिख रेजिमेंट के जवानों ने 6,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित इलाके तक पहुंचाया। बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग बिल्कुल बैठ गए, वो बैठ गए, बोला बेटा अभी हम नहीं जा सकते, हम कल आ जाएंगे, हम आज इधर सांस लेंगे। फिर हमने उनको कंधे पे, एक मेरे साथ हरविंदर था जवान, एक मेरे साथ उन्होंने जो लेडीज महिला बुजुर्ग थी उनको उठाया कंधों के ऊपर, जो बुजुर्ग थे उनको मैंने उठाया और नीचे हमने सोनप्रयाग आकर नीचे बिल्कुल सेफली उनको छोड़ा, ब्रिज क्रॉस करवाया, बस में बिठाया। तो उन्होंने यही बोला बेटा आप जैसे अगर ना होते तो हम शायद ना होते आज। इसी बीच गढ़वाल स्काउट्स, कुमाऊं स्काउट्स और 9 ब्रिगेड के जवान भी लोगों को लगातार बद्रीनाथ, हिमकुंड और धारचूल से निकाल रहे थे। जो मेरी नौकरी का एक्सपीरियंस है, मैंने मतलब इतने तेज बहाव की नदी कभी नहीं देखी और कभी पार नहीं करवाई। नदी आर पार एक पोल पड़ा हुआ था, उसकी तार थी, उस तार को पकड़ा और नदी के उस पार चले गए और इस पार हमारे कुछ बंदे थे। उसके बाद हमने 4 बेसों में रोप लगाया ताकि हमने ज्यादा से ज्यादा स्टैंड बने और ज्यादा से ज्यादा लोग निकले। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको मतलब मैंने खुद अपने हार्नेस के साथ एंकर किया छाती के साथ और फिर रोप ब्रिज के सारे पार करे। कम से कम 100 से 150 बच्चे तो ऐसे थे कि जो ऐसे रोप ब्रिज गए। भारतीय सेना ने यहाँ एक और अहम जिम्मेदारी निभाई, बचाए गए हजारों लोगों के लिए रहने का बंदोबस्त करना, उनके खाने का इंतजाम करना। सेना के जवानों ने एक मिनट भी आराम नहीं किया। बहुत डिफिकल्ट था, फिर भी हमने सारे जवान सब कुछ मिलकर के हमने कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं। एक एक जिंदगी को बचाने के लिए हमारे सुरक्षा बलों ने हर मुमकिन कोशिश की, बिना ये सोचे कि इसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो सम्मान होता है सबसे बड़ा, तो वही होता है। देश हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, इसके लिए तो हम यहाँ आ रखे हैं। हमारे मतलब सैलरी मिल रही है हमको, हमारा घर इसी से चल रहा है। जब आप लोग को सब लोग हीरो हीरो बोलते हैं तब कैसा लगता है? हमको ऐसा कोई हीरो हीरो नहीं है, तब तक हम सर्विस में रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। तो कभी ऐसे कुछ हो जाता तब बोलते तो अच्छा लगता है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे। इस अफरा तफरी के बीच जैसे ही फुर्सत के थोड़े से पल मिलते ये लोग खुद को संभालते और देश के लोगों के लिए भी उनके पास एक संदेश है। हवन कुंड मस्तों का झुंड, हवन कुंड मस्तों का झुंड, सुनसान रात हो ऐसी बात, हम साथ साथ बोल क्या करेंगे।
जब भी कभी भी कहीं पे भी आपदा आती है तो इंडियन आर्मी ऑलवेज विद यू। कभी भी कोई भी काम हो, कोई भी आपदा पड़े या कुछ भी हो, हम पे भरोसा रखें और हो सके तो खुद भी इस आर्मी को ज्वाइन करने की कोशिश करें। जो लोग रास्ते में फंसे हुए थे, अपने घर, अपने परिवार वालों से दूर, जिन्होंने मौत को इतने करीब से देखा था, इतनी तकलीफ सही थी, वो अपना धैर्य खो रहे थे। लेकिन राहत के काम में जुटे एयरफोर्स के जवानों के लिए ये गुस्सा जज्ब करना भी फर्ज का एक हिस्सा था। इसी वक्त भारतीय वायुसेना की दो नौजवान महिला पायलटों ने सबका ध्यान खींचा। ऑपरेशन राहत रफ्तार पकड़ रहा था। हेलीकॉप्टर गौचर एयर स्ट्रिप से लगातार उड़ान भर रही, राहत के काम में तेजी लाई जा रही थी। यहीं पर स्क्वाड्रन लीडर खुशबू गुप्ता और फ्लाइट लेफ्टिनेंट तान्या श्रीनिवास पूरे जोश के साथ अपने काम में जुटी थी। इतनी ज्यादा ऊंचाई, खराब मौसम, पहाड़ी इलाका, ऐसे में अपने चीता हेलीकॉप्टर को उड़ाना किसी चुनौती से कम नहीं। The class of helicopter I fly, that is Cheetah, it is meant for high altitudes. It has a very good maneuverability capability. आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर इस बात का एहसास करा रहे थे कि अब भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, उम्मीद अभी बाकी। हाँ, जब सैकड़ों लोग एक ही हेलीकॉप्टर में सवार होने के लिए उमड़ पड़ते तो उनसे निपटना बेहद मुश्किल। It is a tough decision. The first thing which comes to our mind is we should evacuate as many as we can. And secondly, well, we are making the second shuttle as well. So not to take any chances. It is important to live for the next sortie. Jungle Chatti ke ilaake mein udaan bharte waqt Khushboo Gupta ke liye ek ek pal ki bahut ahmiyat thi. Unche pahadon ke beech 1500 log phanse hue the. Unhe kisi bhi keemat par bachana tha. Yahi par सेना और वायुसेना के बीच बेहतरीन तालमेल दिखा। There was a time when I had almost 8 people inside my aircraft. My helicopter is quite small, as you would have seen. So pulling them out of the helicopter and telling them just hold, you know, we'll be back. So that was difficult. जंग के मैदान में महिलाओं का इस तरह काम करना अब भी एक सपना ही है। लेकिन जब बात ऐसे मिशन की हो तो कोई बंदिशें नहीं रह जाती। After this operation, it was a very self-satisfying feeling that I could be of any use to the nation. I could provide my service because we are trained for this day. इसी दौरान एक और दिलचस्प तस्वीर दिखी। पत्नी चीता हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए और पति स्क्वाड्रन लीडर एसके प्रधान मी 17 हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए। दोनों का एक ही मकसद, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। The only time we were together in Gwalior was the time the aircraft landed for refueling. And probably those were the times we were captured by the media. It didn't really make any difference for us.